नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रायपुर मारवाड़ में राजस्थान सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु शुरू किया गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत सोमवार रायपुर मारवाड़ में कपूरडी पोलो ग्राउंड में खेल की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार सर्वेश्वर निम्बार्क, संयोजक ग्राम पंचायत रायपुर सरपंच प्रेम देवी माली, आयोजक पीईओ रायपुर अध्यक्षता हरिराम सैनी, राजेंद्र राठौर, शारीरिक शिक्षक रत्नाराम सिरवी, मदनलाल सुमन चौधरी, राजेंद्र कुमार पन्नू, जालम चंद परवेज सोलंकी, हितेश सांखला, मांगीलाल महेंद्र कुमावत, विपिन शर्मा, रेणु शर्मा, राकेश भवाल, मोहम्मद रफीक आदि उपस्थित थे। उपखंड अधिकारी द्वारा ग्रामीण ओलंपिक खेल का ध्वजारोहण किया और खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर खेलों की शुरुआत की गई। इस दौरान सहित पूरा प्रशासन उपस्थित रहा। रायपुर सरपंच प्रेम देवी माली ने कहा कि राज्य सरकार की ये योजना अपने आप में बेहतरीन और सबसे बड़ी योजना है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह विद्यालय और कॉलेज के छात्र तो खेलों में भाग ले सकते हैं, अब इसी तरह आम जनता भी बिना उम्र की सीमा के खो खो, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा को आगे ला सकता है और अलग अलग स्तर पर प्रमाण पत्र, नगद इनाम सहित सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण भी पा सकता है। इसके साथ ही पाली जिले की जिला कलेक्टर द्वारा शुरू किए गए नवाचार खेलो पाली की प्रशंसा की और इसको खेलो राजस्थान में बदलने की भी बात कही। साथ ही कहा कि जिस गांव से बेहतरीन खिलाड़ी निकलेंगे उस गांव को इनाम में आलीशान खेल मैदान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में रायपुर सहित आसपास के ग्रामीणों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। सरपंच ने कबड्डी का मैच देखकर हौसला अफजाई की।